खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमना जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढाबा तिवरियान का है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में खड़ी जर्जर दीवारों को गिराने के और समतल मैदान बनाने के लिए अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। बताया जाता है कि उक्त भवन लंबे समय से जर्जर हालत में था, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, जबकि यहां काफी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और यही आसपास खेल है जिसे कोई घटना घटित हो सकती है। आइए दिखाते हैं पूरे मामले को और सुनाते हैं छात्रों के साथ शिक्षकों का क्या कहना है। राकेश कुमार, ये कौन सी स्कूल है? ढाबाती वरियान। ढाबाती वरियान, हाँ। ये जो बिल्डिंग पीछे गिरी है, हाँ। कैसे समस्या हो रही? ये तो बरसात हुई थी ना, तो हम लोग वो चपाने से बच गए थे, तो इसमें कीड़ा और बीछी भी निकलती है, हम लोगों को डर लगता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं पढ़ने के लिए कि ये स्कूल नहीं बन जाए। हाँ, इसमें बहुत आदमी आते हैं तो इसको गंदा समझते हैं, तो इसमें टट्टी भी कर देते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नहीं बन जाए। शिवराज मामा से कहा चाह रहे हैं कि ये स्कूल नहीं बन जाए। उसके बारे में हम क्या कहें, आप देख रहे हैं चारों तरफ से पूर्ण रूप में बिल्डिंग गिर चुकी है, इसमें जो है पत्थर की पटिया के दासा लगे हुए हैं, इसमें छात्र रोकते हुए किसी न किसी रूप में चले जाते हैं, पटिया गिर जाएगी, ईंटा गिरता है उसका, कोई मर जाएगा, कुछ घटना हो सकती है, और बाहरी लोग यहाँ आकर के जैसे नहीं देखते हैं, लोग बाहर से नहीं दिखाई देता, इसी के अंदर घुस जाते हैं, गंदगी भी कर देते हैं। हाँ तो सर, क्या अपने विभाग तरफ से किया? हाँ, मैं एक SMC जिसको सारा प्रबंधन समिति कहते हैं, उसके द्वारा प्रस्ताव मैंने जनवरी में पास किया था, उसके पहले 2021 में भी पास किया था, और अभी दो बार सरपंच महोदय को दिया है और अपने कार्यालय BRC महोदय को दिया है लिख करके, यहाँ पर SMC का प्रस्ताव पास करके कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कपड़ा तो पहले ही निकाले जा चुके हैं, लेकिन उसकी जो मतलब दीवार खड़ी है किसी समय गिर सकती है, इसको गिरा करके बच्चों को खेलने के लिए मैदान बना दिया जाए। इसके अलावा वो पुरानी खपड़ा की जो बिल्डिंग है वो भी देख लीजिए, पीछे गिरी हुई है, पूर्ण रूप में दिखाई दे रही है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे उसमें, ये है कि बाहर से हमने ताला बंद कर दिया है, अब धोखे से कहीं से लड़के घुस जाएं, वो भी गिर जाएगी उनके ऊपर, वो भी नुकसान होगा, उससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसमें। तो क्या चाहते हैं सर? हमें चाहते हैं कि प्रशासन आए या कि जिसको नियम है, नियम के अनुसार इसको जो है गिरवा करके और इसको पूरा फील्ड बनवा दिया जाए, बच्चों खेलने के लिए भी हो जाएगा और सुरक्षा भी हो जाएगी। सर, यह तो नई बिल्डिंग के लिए बात की है आप लोग? नहीं, तो नई बिल्डिंग बन जाए तो अधिक अच्छा है, नई बिल्डिंग उधर 3 कमरे पड़े हुए हैं, उस बिल्डिंग में जो है बनवा दिया जाए तो उससे भी खूब जगह हो जाएगी, ये पूरा जो है मैदान हो जाएगा बच्चों खेलने के लिए, प्रार्थना के लिए हो जाएगा और सुरक्षा भी हो जाएगी इससे। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। क्या नाम है सर? हमारा नाम मानिंद्र त्रिपाठी है।